नमस्कार दोस्तों, बी एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम हिंदी के विशेषांक पर चर्चा कर रहे हैं और इसके पूर्व में कई लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं और इसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम लोग पर्यायवाची पर चर्चा करेंगे। पर्यायवाची के विभिन्न और महत्वपूर्ण शब्दों का अध्ययन करने के पूर्व हम लोगों को ये देखना आवश्यक है कि पर्यायवाची के अध्ययन की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए और परीक्षा के दौरान हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जिसके आधार पर हम परीक्षा में इससे संबंधित त्रुटियों को समाप्त करके इससे पूछे जाने वाले सभी सवालों का सही उत्तर देने में सफल होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, पर्यायवाची की परिभाषा तो लगभग सभी को ही पता होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जो समान अर्थों को व्यक्त करते हैं वह आपस में पर्यायवाची कहलाते हैं। तो ये पर्यायवाची की जो है समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों के समूह को पर्यायवाची कहा जाता है, तो सबको पता ही है और इससे संबंधित सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं। लेकिन हमें अगर उसकी तैयारी हम करने जा रहे हैं तो उसके परिभाषा और अर्थ के बारे में समझ तो होना आवश्यक है ही, लेकिन उसके बाद जो परीक्षा में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं हम उसी पर जो है चर्चा करना समीचीन समझते हैं। तो इसमें कुछ सावधानियां हैं जो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो ये कि इसमें सावधानी का होना बहुत आवश्यक है। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, जैसा कि आपको पता है कि 6 टॉपिक से जो है 10 करके 60 सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि 6 टॉपिक से प्रति टॉपिक 10 क्वेश्चन यानी कि 60 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उन 60 क्वेश्चन में जो है अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक ठाक स्टूडेंट, वो 50 क्वेश्चन तो श्योर ही सही करके आते हैं। अब हमें यह ध्यान में रखना है कि हम अपने सवाल को 50 से ज़्यादा कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए आपको परीक्षा में बैठने के दौरान कई सावधानियों की जो है आवश्यकता और अपेक्षा होती है और की जाती है। एक तो यह कि सवाल को अत्यंत ही सावधानी से पढ़ना, पूरे सवाल को पढ़ना, सभी विकल्पों को ध्यान में रखना और तत्पश्चात तुलना करके उस पे जो है अपना निष्कर्ष निकालना। क्योंकि अगर वहां पर किसी भी तरीके से प्रश्न को पढ़ने में जल्दबाजी की जाती है तो निश्चित तौर पर ऐसे में जो है आपके सवाल गलत होने की संभावना बढ़ जाती है और जहां पर आपको 50 से ऊपर जाना है वहां पर आप 50 से नीचे भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम के दौरान सावधानी, क्योंकि परीक्षा में इतने कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि आप सवालों को अगर तैयारी कर रहे हैं तो हल ना कर सके। लेकिन सभी कंडक्टिंग बॉडी का ये भी एक जो अप्रोच होता है कि वो कैंडिडेट की साइकोलॉजी का भी टेस्ट करते हैं, आपके धैर्य की भी परीक्षा लेते हैं कि आप परीक्षा में कितना सहज हैं अपनी तैयारी को लेकर के, अपने परिणाम को लेकर के, अपने आत्मविश्वास को लेकर के। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना परीक्षा के दौरान, जो कि 2 घंटे का पेपर होता है या जो भी टाइमिंग है अलग अलग एग्जाम के लिए हिंदी में जहाँ भी जो सवाल पूछे जाते हैं, वो 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे का समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि ये जो प्रश्न पत्र है प्रारंभिक परीक्षा का, वहाँ पे मात्र 1 घंटे के ही जो है प्रश्न पत्र दिए जाते हैं और यही सवाल यही टॉपिक से जो है 6 टॉपिक से जो है 30 सवाल जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, टॉपिक एकदम सेम यही होता है और इतने ही जो है पूर्णांक होते हैं, मैक्सिमम मार्क होते हैं, यानी कि प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स होते हैं क्योंकि 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दोनों में ही प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 60-60 अंकों के सवाल होते हैं। तो इसलिए परीक्षा के दौरान आपकी सावधानी और धैर्य अत्यंत, आप हर प्रश्न पर सतर्क और चैतन्य रहने की आवश्यकता है। अभ्यास, दूसरे हम टॉपिक पर चर्चा करें तो अभ्यास, आप चूंकि पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी, आप देख रहे होंगे कि आपके YouTube चैनल पर या इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान के द्वारा बहुत क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि किताबों का कोई विकल्प नहीं होता है। आप अपनी तैयारी के दौरान किताबों का जरूर अध्ययन कीजिए। कोई भी किताब जो एक सिलेबस पर लिखी हुई किताब है उसका बेस बुक तैयार कीजिए। बेस बुक से आप शुरू से अंत तक की जो है पढ़ाई कीजिए, उस पर मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए और निष्कर्ष निकालिए। आप बहुत ही आत्मविश्वास और सहज ढंग से एग्जाम में जाएंगे। आप अपने कंटेंट की, आप अपने विषय वस्तु की जो कि पर्यायवाची के रूप में है 2 से 3 बार पढ़िए। हाँ, परीक्षा उपयोगी जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, खैर वो अगले लेक्चर में हम आपको भी उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन आपको उन परीक्षा में पूछे गए सवालों को ज़्यादा देखने की जरूरत है, बार बार उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन जो भी अन्य उस सिलेबस में आपके हैं या आपकी बुक में दिए हुए हैं 300-250,
तो उनका एक बार अध्ययन आप जरूर कीजिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन अध्ययन के दौरान आपका तुलना होना आवश्यक है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसे शब्द आते हैं जो समान रूप से जो है उच्चारित किए जाते हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर होता है, उस अंतर के कारण से वो अपने अर्थ को अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि आप जो है तुलना करने का प्रयास कीजिए कि अगर उसी तरीके से जो है समान शब्द का उच्चारण हम कर रहे थे किसी पर्यायवाची के लिए, तो वहाँ उसका अर्थ क्या है। अब इसके कई बहुत शब्द आते हैं, जैसे एक उदाहरण मान लीजिए हो गया जो है हस्त, और एक हो गया हाथी। अब यहां हाथ हो गया, यहां हाथी हो गया। तो इसी तरीके से कई ऐसे शब्द आपको परीक्षा के दौरान जो है मिलेंगे, जिनमें आपको तुलना और अंतर करने की जो है आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से तुलना आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो सावधानी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अभ्यास पर आपके तथ्यात्मक, क्योंकि पर्यायवाची ज्यादातर जो है अभ्यास और समझने वाली चीज है। यहाँ पर नियम का बहुत ज्यादा व्यवस्था, बहुत ज्यादा जो है प्रावधान नहीं की गई है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अभ्यास ही आपको पूर्ण बना सकता है या पूर्ण के नजदीक ले जा सकता है। इसलिए अभ्यास, तुलना और सावधानी, ये तीनों चीजें इस टॉपिक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है एग्जाम में। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से जो सदुपयोग कीजिए और परीक्षा में अपने आप को जो मजबूत कीजिए। कुछ बेसिक नियम हैं जिनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, या उसे कहीं कहीं पर आप ट्रिक भी कह सकते हैं, या खोजे गए जो है ट्रेंड या प्रवृत्ति या पैटर्न कह सकते हैं, तो उन चीजों को हम लोग आज के इस लेक्चर में देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है आपके लिए जल, जल, अंबु, नीर, तोय, इस तरीके से जो है इसके जो है कई पर्यायवाची हैं। और इसमें जा शब्द जब जोड़ दिया जाता है, तो ये जा शब्द जब जोड़ दिया जाता है तो ये कमल बन जाता है। अब जितने भी जल के जो है पर्यायवाची होंगे, चाहे अंब होए, चाहे नीर होए, चाहे तोय होए, तो इन सभी शब्दों में जो है जब जा शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो कमल हो जाता है। जैसे मान के चलिए जो है जलज शब्द आ गया, जलज, तो इसका मतलब हो गया कमल। तो ये शब्द जो बना है जल और प्लस जो है अज से, अज का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो जल में क्या चीज उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न होने वाली चीजें अर्थात जो है ये हो जाएंगी कमल। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जल की तो परिभाषा और जल का पर्यायवाची तो हम लोग देख ही ले रहे हैं, और उस पर्यायवाची के साथ जहां जहां पर हम ये जोड़ते हैं वो वहां पे जो है कमल हो जाता है। यद्यपि यही केवल तैयारी का एकमात्र आधार नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कमल के कई और भी शब्द होंगे जो इनके आधार पर नहीं बनते हैं। इसलिए हमें इसके साथ साथ अन्य भी शब्दों का जो कि अभ्यास पर आपके डिपेंड करता है उसे पढ़ने की जरूरत होगी। है कई क्लासेस में, कई यूट्यूब के लेक्चर में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि 5 मिनट में 5000 शब्दों का अध्ययन कीजिए। ये सारी चीज़ें जो है आपकी तैयारी को पूर्ण नहीं कर सकती, यद्यपि आपकी समझ को बढ़ा सकती हैं लेकिन पूर्ण नहीं कर सकती हैं। आपका अभ्यास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम भी आपको संपूर्ण तैयारी इसी लेक्चर के माध्यम से नहीं करवाने वाले, बल्कि आप में वो एक अप्रोच पैदा करने का प्रयास करेंगे, एक समझ पैदा करने का प्रयास करेंगे, एक रास्ते प्रदान करेंगे जिसपे चल करके आप अपने आप को तैयारी के क्षेत्र में जो है अच्छा बना पाएंगे, अपनी जो है आत्मविश्वास को जो बढ़ा पाएंगे। इसी तरीके से जल के जितने भी पर्यायवाची उसमें दा शब्द जब जोड़ दिया जाता है तो ये जो है वो बादल बन जाता है। जलद माने धारण करने वाले जो है बादल हो जाते हैं। और जब जल के विभिन्न जो है पर्यायवाची में धी शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो समुद्र हो जाता है, जिसे जल से जलधि हो गया, जलधि माने जो है समुद्र ही हो जाता है। अभी यहाँ पे वाहन और जीवन शब्द जोड़ा गया है। जल का वाहन क्या होता है भाई, नाव ही चलती है जल में, कोई बैलगाड़ी और रेलगाड़ी तो चलती नहीं है। इसलिए जो केवल जो चलने वाली चीजें होती हैं जब वो सामान्यीकरण उनका हो जाता है, यानी कि वो सभी जगहों पर समान रूप से लागू हो जाती हैं, तो वो उसकी परिभाषा या पर्यायवाची में ही जो है आ जाती हैं, अर्थात जो जल वाहन जो है
ये सब जो है वो नाव की जो है विशेषता या जो है पर्यायवाची बन जाता है। जल में जीवन, जल में कई और भी जो है जीव रह सकते हैं, लेकिन मछलियां जल के लिए जानी जाती हैं, इनकी संख्या भी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जल जीवन के रूप में जो है मछली के पर्यायवाची को देखा। जल जीवन मछली की पर्यायवाची है ही, कई बार परीक्षा में भी जल जीवन पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एक ही शब्द के हम जहां पर पर्यायवाची सीखते हैं वहीं पर उनमें कुछ शब्दों को जोड़ करके ये हम लोग जो है उसके अन्य जो है शब्दों की पर्यायवाची को भी सीख लेते हैं। एक तो बात ये हुई, इससे ऐसा करके आपके अंदर एक आत्मविश्वास और समझ विकसित होता है, क्योंकि इसमें एक प्रवृत्ति का जो है विकास देखा जाता है। तो ऐसा करके जो है आपके पास शब्दों का भी भंडार बढ़ता है, विभिन्न प्रकार के लेखन शैली में आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपका उत्तर प्रभावी होता है। इसी तरीके से और भी कई नियम हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और देख सकते हैं, जैसे देवता हो गए, देवता में जो है सुर हो गया, अमर हो गया, देव हो गया, ये सब इसकी जो परिभाषाएं हैं। अब इसमें अगर हम जो है प्लस जो है राज या जो है पति शब्द जोड़ देते हैं, राज या पति शब्द जोड़ देते हैं, तो ये जो है इंद्र की परिभाषा हो जाता है, ये जो है इंद्र की जो है परिभाषा हो जाता है, क्योंकि देवताओं में जो है इंद्र को राजा के रूप में जो है दर्जा दिया गया है। तो जिनमें भी जो है देवता की जो परिभाषा जो पर्यायवाची है उन पर्यायवाची में राज या पति शब्द जोड़ देने पर जो है इंद्र की परिभाषा हो जाता है, जैसे सूरराज या सूरपति हो गया, अमरपति हो गया, देवपति हो गया, तो ये सभी जो है शब्द वो देवता की परिभाषा को जो है पर्यायवाची को जो है व्यक्त करते हैं। देवता की जो पर्यायवाची उस जो उस समय वो इंद्र के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती है। तो देवता के जितने भी पर्यायवाची हैं उन पर्यायवाची में अगर ये दो शब्द जुड़ जाते हैं तो वो इंद्र के जो है पर्यायवाची बना देते हैं। इसी तरीके से अगर इसमें नदी नदी जुड़ जाती है तो ये जो है गंगा की जो परिभाषा गंगा की पर्यायवाची हो जाती है, क्योंकि देवता गंगा जो है नदी जो है वो जटा से जो निकली हुई जो है बताई गई है, तो इसलिए जो है यहां पर जो है देवता की जो भी पर्यायवाची होंगे उसमें नदी शब्द जोड़ दिया जाएगा, जैसे देव नदी या सुर नदी या अमर नदी, तो ये जो है गंगा की जो है पर्यायवाची हो जाती है। तो इसलिए जो है देवता के पर्यायवाची में नदी शब्द जुड़ने पर वो गंगा बन जाती है। और इसी तरीके से इसमें अगर जो है लोक शब्द जुड़ जाता है, लोक मतलब उनके रहने का स्थान, तो देवता के रहने का स्थान जो है वो स्वर्ग होता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा स्वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से जहां पर हम इस तरीके के कुछ नियम हैं या इस तरीके की कुछ व्यवस्थाएं हैं या इस तरीके की कुछ समझदारियां हैं जिनमें हम जो है ऐसे शब्दों को अगर प्रयोग करते हैं तो जहां पर हम उस मूल शब्द के पर्यायवाची को सीखते हैं वहीं पर हमारी समझ जो है अन्य शब्दों के भी संदर्भ में होती है और हमें कुछ सीखने और समझने का मौका भी मिलता है। तो यहाँ पर एक शब्द के माध्यम से हम कई अन्य शब्दों के जो भी पर्यायवाची को सीख जाते हैं। इसी के साथ जैसे रात्रि शब्द है, रात्रि की जो है कई पर्यायवाचियां हैं, रजनी रात, निशा, यामिनी, तमसा, तो इस तरीके से जो है कई जो है शब्द हैं जो रात्रि के परिभाषा पर्यायवाची के रूप में आते हैं। जब इसमें जो है हम चर शब्द जोड़ देते हैं तो ये जो है राक्षस की जो है राक्षस शब्द की जो परिभाषा, क्योंकि रात में चलने वाले व्यक्ति या रात में चलने वाले जीव कौन हो सकते हैं, वो राक्षसों की श्रेणी में आएंगे। सामान्य व्यक्ति दिन में चलता है और रात में आराम करता है, लेकिन राक्षस सेम इससे उल्टा होते हैं कि वो रात में भी चलते हैं, घूमते हैं
और इसलिए जो है उनके लिए जो है चर शब्द, चर माने जो घूमना चलना, तो यहाँ पे जब हम चर इसमें जोड़ते हैं तो यह राक्षस की जो परिभाषा बन जाती है। इसी तरीके से कर, अब ये जब कर शब्द जोड़ता है तो ये चंद्रमा की जो परिभाषा हो जाता है। जैसे एक शब्द जो है निशा, रात्रि की जो है वो पर्यायवाची है, निशाकर हो गया, तो ये जो है निशाकर जो है अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रमा। तो इस तरीके से आपने देखा कि रात्रि में जो है हम एक साथ जो है रात्रि के पर्यायवाची को भी देख लेंगे और दूसरी तरफ जो उसमें कुछ शब्दों को जोड़ करके हम उससे निकलने वाले तीसरे अर्थ यानी कि अन्य शब्द के भी पर्यायवाची को समझ लेंगे या उसके बारे में कुछ जो है समझ पैदा कर लेंगे। यहां पर एक चीज ये ध्यान में रखना आप लोगों के लिए आवश्यक है कि हम जो भी तथ्यात्मक जो है टॉपिक होते हैं उसके बारे में केवल रट करके ही उसकी तैयारी नहीं कर सकते, बल्कि उसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि उसके बारे में कुछ चीज़ों को हम रट भी लेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में हम ट्रिक भी बना लेंगे, कुछ चीज़ों को जो है हम समझ से याद कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है तैयारी इस स्तर की हो जाएगी कि परीक्षा में कम से कम हम सवालों को सही कर पाएंगे, क्योंकि केवल रट करके केवल नियम से केवल ट्रिक से किसी भी चीज़ की पूरी तैयारी नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से जो है शब्दों का या कुछ जो है प्रत्यय को जोड़ करके जो है हम लोग नए शब्दों की पर्यायवाची को भी जो सीख लेते हैं। इसी तरीके से जो है आकाश है, आकाश शब्द है, आकाश में गगन, शून्य, नभ, व्योम, अंबर, कई इसके जो है पर्यायवाची है, परंतु जब हम जो है इसमें चर शब्द जोड़ देते हैं तो ये जो हो जाता है पक्षी, ये जो है पक्षी की जो है पर्यायवाची बन जाता है। इसी तरीके से जो है धरती शब्द है, भू धरा, वसुंधरा, धरती धरणी, धरत्री, कई जो है शब्द इसके पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, किंतु प्लस जब यहां पे धारा शब्द जोड़ दिया जाता है तो ये जो है वो पर्वत हो जाता है। धारा मतलब जो है धरती या पृथ्वी पर जो है अपने आप को स्थापित करने वाले, आलंबित करने वाले या पृथ्वी को जो है धारण करने वाले। तो पृथ्वी जिस चीज का जो है धारण कर लेती है वो पर्वत के रूप में होता है, यद्यपि और भी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन पृथ्वी जिस तरीके से आनुपातिक रूप से देखा जाए या सापेक्षिक रूप से देखा जाए एक बहुत बड़े आकार है, उसका आकार बहुत बड़ा है, इसलिए छोटी चीजें इसके लिए जो है वो आनुपातिक रूप से सही नहीं होंगी, इसलिए पर्वत का आकार भी बहुत बड़ा होता है और पृथ्वी के सापेक्ष इसी की जो है साम्यता होती है और हम उस पर जो है धारण या धारा के रूप में प्रयोग होने शब्दों के लिए जो है हम पर्वत शब्द जो है पर्यायवाची के रूप में लेते हैं। अभी दूसरा शब्द है धारा शब्द हो गया, दूसरा शब्द है रूह या जो है रोम, ये हो जाता है ब्रिज। अब धरती के लिए जो है जैसे शरीर होता है, शरीर का रोम जो है बहुत छोटे छोटे बाल की तरह से होते हैं, इसीलिए धरती जो है वो बहुत बड़े आकार की जो है होती है, ग्रह है, तो इसलिए इसके जब हम रोम की बात करेंगे तो वृक्ष ले आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से शरीर से पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा होता है उसी तरीके से व्यक्ति के बाल की अपेक्षा जो पृथ्वी का वृक्ष का आकार बड़ा होता है, तो जब हम पृथ्वी या धरती शब्द में जो है रूह या रोम जोड़ देंगे तो वो वृक्ष के रूप में हो जाता है, वही इसकी जो है पर्यायवाची हो जाती है। इसी तरीके से जो है यहाँ पे पति या पाल, पति या जो है पाल शब्द जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, राजा, ये जो है वो राजा की जो है पर्यायवाची बन जाती है, क्योंकि राजा के पास ये माना जाता है कि भूभाग काफी होता है या उस क्षेत्र का समस्त भूभाग राजा का ही जो है माना जाता है और वो कृषि और अन्य कार्य करने के लिए जो है अपने देश की प्रजा और जनता को दे देता है। तो ऐसी स्थिति में जो है भूपति या जो भूपाल ये शब्द जो है राजा को जो है व्यक्त करते हैं, तो धरती में जो है अलग अलग
प्रत्येक शब्दों को जोड़ करके जो है अलग अलग शब्दों की जो है पर्यायवाची सामने निकल करके आता है। तो ये चीजें आपको संपूर्ण जो है पर्यायवाची की तैयारी के लिए नहीं बल्कि पर्यायवाची की तैयारी के संदर्भ में एक समझ पैदा करने के लिए बताई जा रही हैं। आप अपने अध्ययन में इसी प्रकार के प्रवृत्ति का, इसी प्रकार के नियम का विकास करके जो है अपने पर्यायवाची जो शब्दों की जो तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है पुत्र हो गया और पुत्री हो गया, पुत्र और पुत्री, ये इसमें जो है ये हर्ष होता है और ये दीर्घ होता है। तो जब कोई शब्द पुत्र के प्रयोग में आए और उसे हम लास्ट के जो है अंतिम जो है वर्ण को जो है अगर दीर्घ कर देते हैं तो वो जो है पुत्री की परिभाषा हो जाती है। तनय सुत आत्मज, अब ये शब्द हैं, इन शब्दों को जो है तनया सुता आत्मजा, ये क्या हो गए, ये पुत्र हो, पुत्र की जो है और ये जो है पुत्री, इसी नियम पर जो है ये आपस में बनते हैं। तो इसी तरीके से तैयारी के दौरान जो है आप लोगों को भी इस मूल शब्द या मूल अर्थ या मूल नियम को जो है प्रयोग में करके जो है अलग अलग शब्दों के जो भी पर्यायवाची को सीखने का प्रयास करना होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है पर्यायवाची पर पहला जो है टॉपिक था जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया पर्यायवाची के अंतर्गत, अभी इसके सेकंड और थर्ड जो भी लेक्चर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा, उसमें हम अभी तक ये देखेंगे कि इन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए किस तरीके से जो है प्रश्न पूछे गए हैं और विशेष करके परीक्षा में जो भी सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, यद्यपि पर्यायवाची में तो बहुत शब्द हैं लेकिन उन शब्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बनते हैं। तो आज के लेक्चर में जो भी बातें आप लोगों की बताई गई कि आपके लिए जो सावधानी सबसे इंपॉर्टेंट है, अभ्यास उसके दौरान आपको तुलना करना है और इसके साथ साथ तुलना के साथ साथ जो है आपको ये देखना है कि इन नियमों का भी जो है खोज करना है, इन नियमों का प्रयोग करना है। ये नियम कहीं किताबों में नहीं होते हैं बल्कि लोगों के द्वारा पढ़ते पढ़ते जो है इस पर अपना एक समझ विकसित हो जाता है और इसी समझ को आपको अपने पढ़ाई और तैयारी के दौरान करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक दिशा जरूर इस लेक्चर से आप लोगों को जो है प्राप्त होगी। तो इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए। पुनः अगले लेक्चर में हम इसी से जुड़े हुए सेकेंड और थर्ड जो सेक्शन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।